पटेल, मनीषा। दूसरा सत्र स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले हम आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। और अब जो दूसरा सत्र शुरू होने वाला है वो आपको अच्छी तरह से वो आप पढ़ेंगे, ऐसी आशा रखती हूँ। तो उसके लिए दूसरे सत्र का हमारा पहला चैप्टर है नीति के दोहे, यानी हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। नीति का मतलब है बर्ताव, यानी कई बार किसी के लिए हमारा जो बर्ताव होता है, जो हमारा रवैया होता है वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जो उसकी कवि है रही, यानी वो हमें बताते हैं कि हमारा बर्ताव दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा रवैया होता है वो किस तरह से हमें दूसरों के लिए रखना चाहिए, यानी यहाँ पर किस तरह की नीति हमारे अंदर होनी चाहिए दूसरों के प्रति, उसके बारे में इस दोहे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो उसका साहित्य प्रकार है दोहे और उनके कवि है रही। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि प्रथम दोहे के अंदर बताया गया है कि परहित की भावना, यानी दूसरों के लिए जो भावना होनी चाहिए वो हमारे लिए वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरों के लिए कटु वचन नहीं बोलनी चाहिए। जो गरीब व्यक्ति है उस गरीब व्यक्ति के लिए हमारे मन के अंदर अच्छी भावना होनी चाहिए, मित्रता कैसी होनी चाहिए और हमारा जो व्यवहार है वो दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने जो 9 दोहे दिए गए हैं उसमें अलग अलग नीति बताई गई है। तो उस दोहे को हम पढ़ेंगे और साथ में उसे समझने का प्रयत्न भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रहीम जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर उनके कवि है रहीम और उनका जन्म लगभग 5553 ईस्वी सन और निधन 1626 ईस्वी सन में हुआ था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। उनके पिता का नाम बैरमबा था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता को बुद्धि क्षमता से पढ़कर अकबर बहुत प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात है। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सत्सई में व्यक्त किया है। तो यहाँ पर हम दोहे पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचही सुजान। यहाँ पर साथ में शब्द भी देखेंगे, तरुवर का मतलब है वृक्ष, शब्दार्थ में तरुवर का मतलब वृक्ष। दूसरा है सरोवर, सरोवर का मतलब है तालाब या सरोवर। आगे है पान का मतलब पानी और परकाज का मतलब परोपकार और सुचहिं का मतलब है संग्रह करते, संग्रह करते हैं। तो यहां पर पहली दोहे को हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहिं सुजान। यानी इसका मतलब है कि जो तरोवर यानी जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष पर लगे हुए जो फल होते हैं वो फल वृक्ष कभी अपने लिए नहीं खाते, यानी वो खुद नहीं खाते, वो जो फल है वो दूसरों को देने के लिए होते हैं। उसी तरह से जो सरोवर का पानी होता है, अगर जो सरोवर का पानी है वो सरोवर खुद पी जाए तो वो दूसरे लोगों को पानी नहीं दे सकता, लेकिन वो सरोवर जो है, जो तालाब है, वो अपने अंदर पानी को इकट्ठा करता है किसलिए, दूसरों को वो पानी पिला सके। उसी तरह से रहीम कहते हैं कि कहीं रहीम पर काज, यानी परोपकार के हित के लिए जो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो परोपकार यानी दूसरों के उपकार करने के लिए जो धन इकट्ठा करते हैं, जो संग्रह करते हैं, वो दूसरों के लिए करते हैं,
यानी बहुत ऐसे मनुष्य होते हैं कि जो धन वैभव जो होता है वो इकट्ठा करते हैं, वो इसलिए कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं यानी दूसरे जो लोग हैं उनके काम आ सके, इसीलिए वो उस धन को इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर रहीम जी जो उदाहरण दिया गया है वृक्ष का और तालाब, उससे बताते हैं कि जिस तरह से वृक्ष अपना फल नहीं खाते और जो तालाब सरोवर होता है जो खुद पानी नहीं पीता, यानी वो संग्रह करके दूसरों के काम आ सके, इसीलिए वो संग्रह करते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो बर्ताव है वो भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे पास जो धन है वो हम खुद उसका उपयोग न करते हुए दूसरों के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा दोहा है, कही रहे संपत्ति सदैव बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे में। यानी यहाँ पर कहा गया है कि कहीं रहीम संपत्ति सगे, यानी यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि हमारे पास जब संपत्ति होती है धन होता है तब बहुत सारे सगे संबंधी हो जाते हैं, यानी जिसको हम नहीं भी जानते जो पराये हैं वो भी हमारे सगे हो जाते हैं। बनत बहुत बहुरीत, बहु यानी मतलब बहुत, रीत यानी बहुत प्रकार के लोग हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी से कसे ते ही सांचे में, यानी विपत्ति का मतलब है बुरा, विपत्ति का मतलब बुरा। आगे है कसोटी का मतलब परीक्षा होता है, और उसके बाद है कि ते सांचे में, यानी यहाँ पर कहा गया है कि जब संकट का समय आता है यानी जो विपत्ति हमारे पर आती है और उस वक्त उस कसौटी के अंदर जो हमारे साथ खड़े रहते हैं वही हमारे साचे मित्र होते हैं। यहाँ पर मित्र का मतलब है मित्र, यानी रहीम जी का कहने का मतलब है कि जब धन संपत्ति हमारे पास होती है तब हमारे बहुत सारे सगे संबंधी हो जाते हैं, और लेकिन जैसे ही हम पर कोई संकट आता है विपत्ति आती है तो उस वक्त हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहता, लेकिन उस संकट के वक्त जो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा रहता है वही हमारा सच्चा मित्र है। आगे तीसरा दोहा है, रहीम न देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। यानी यहाँ पर कहता है कि बड़े यानी उसका मतलब है बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि कभी भी बड़ों का साथ पाकर हमें छोटों को छोड़ना नहीं चाहिए, यानी यहाँ पर डारी का मतलब है छोड़ना। शब्दार्थ देखते हैं, डारी का मतलब छोड़ना, यानी यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि अगर बड़ों का साथ हमें मिल जाता है, किसी बड़े व्यक्ति का साथ मिल जाता है, तो उस वक्त जो छोटा व्यक्ति हमारे साथ रहता था और हमें काम में आता था उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण देकर बताया है कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारें, यानी जहाँ पर सुई काम आती है वहां पर तलवार काम नहीं कर सकती। उसी प्रकार जो बड़े व्यक्ति के साथ हम रहेंगे तो जहाँ पर छोटे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है तो वहां पर वो बड़ा व्यक्ति हमारा साथ नहीं देगा। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि किसी की बड़े का साथ पाकर हमें छोटे व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए, यानी हमारे पास अगर तलवार आ जाती है तो हमें सुई को छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई का काम आता है वहां पर सुई काम कर सकती है, वहां पर तलवार काम में नहीं आती। आगे दिन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सब होए। यहाँ पर भी कही गई है कि दिन सबको लखत है, यानी यहाँ पर गरीब व्यक्ति की बात की गई है, दिन का मतलब यहाँ पर गरीब। दिन का मतलब गरीब, लखत है यानी देखते हैं, लखत है का मतलब है देखते हैं। दिन ही लखे न कोई, कोई का मतलब है कोई, यानी यहाँ पर कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है वो सबको देखते रहते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसको कोई नहीं देखता। जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सब कोई, यानी दिन बंधु यानी भाई की तरह या भगवान की तरह हो सकता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो रहीम दिन ही लखे, यानी जो गरीब व्यक्ति को देखता है
गरीब व्यक्ति की देखभाल करता है, उसकी ओर देखता है, उसको जो चाहिए वो देता है, तो वो उनके लिए भगवान के समान होता है। दीन बंधु यहाँ पर मतलब दिया गया है भगवान। दीन बंधु का मतलब भगवान, यानी यहाँ पर कहा गया कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके सामने कोई नहीं देखता, और जो उनके सामने देखता है वो गरीब के लिए भगवान के समान होता है। और यहाँ पर रहीम जी ये भी कहते हैं कि हम अगर बड़े हो जाते हैं, हमारे पास धन संपत्ति है, तो हमें छोटों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी जो भी गरीब व्यक्ति है बन पड़ती है उतनी उसको मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम उनके लिए भगवान के समान होते हैं। आगे खीरा को मुंह काट के मलियत मौन लगाए, रहीमन करुण मुख की चाहिए यही सजा। यानी यहाँ पर खीरा का मतलब है कि एक प्रकार की जो ककड़ी होती है, यानी आप जो ककड़ी खाते हैं उसकी बात कही गई है कि उसके मुंह को काट कर, यानी उसके ऊपर की जो टोच होती है उसको आप काट कर, उसमें क्या करती है उसको काट कर उसमें नमक लगाती है, और नमक लगाने के बाद आप खाते हैं। मलियत यानी मलत है, नॉन लगा यानी नॉन का मतलब यहाँ पर है नमक, नॉन का मतलब नमक। रहीम करवे मुखन की चाहिए यही सजा, यानी जो कड़वे बोल बोलते हैं उनकी यही सजा होती है, यानी जो लोग जिस तरह से ककड़ी जो होती है खीरा जो कड़वा है अगर तो उस पर हम नमक लगाकर खाते हैं तभी जो स्वाद होता है, तो यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग कड़वे बोल बोलते हैं उनके साथ भी इसी तरह से, यानी उनकी जुबान काट कर उन पर नमक लगाया जाए, इस तरह की सजा उनको देनी चाहिए। जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विप व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यानी यहाँ पर कहा गया है कि रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति के, यानी जो उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, उनका करी सकत कुसंग, यानी वो कुसंग के साथ रहने के बाद, यानी कुसंग का मतलब है बुरे स्वभाव वाले लोगों के साथ रहने पर भी उनके स्वभाव में कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, यानी यहाँ पर उदाहरण जिस तरह से उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह से जो अच्छे प्रकृति वाला यानी अच्छे विचार वाला जो व्यक्ति है वो कुसंग व्यक्ति के साथ रहने पर भी कोई फर्क नहीं आता, तो उसी प्रकार की जो चंदन की लकड़ियां होती है उसके आसपास विष से भरे हुए जो सांप होते हैं, सर्प होते हैं, भुजंग होते हैं, वो लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन पर कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वो कुसंग व्यक्ति के साथ रहने पर भी उसकी प्रकृति में कोई फेरफार देखने को नहीं मिलता। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन होए, रहीमन बिगड़ दूध को मथी न माखन होए। यहाँ पर बिगड़ी का मतलब है बिगड़ी हुई, बिगड़ी का मतलब बिगड़ी, किन यानी चाहे, किन का मतलब है चाहे। रहीमन बिगड़ दूध को मथे न माखन होए, यहाँ पर रहीम जी ने उदाहरण दिया है कि जिस तरह से दूध फट जाता है, बिगड़ जाता है, और उसको बार बार मथने पर भी उसमें से माखन नहीं निकलता, तो इसी प्रकार अगर कोई बात बिगड़ जाती है किसी के साथ, आपका किसी के साथ आपके संबंध में कोई कड़वाहट आ जाती है, अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो उसमें आप लाख चाहे मतने पर भी वो बात अच्छी तरह से नहीं हो सकती, यानी वो बात नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि उसको उसी समय छोड़ देना चाहिए, उसके हालात पर छोड़ देना चाहिए, जैसे ही समय रहते हुए वो जब सच्चाई जानेगा तब वो सही बात को मानेगा और वो संबंध सुधर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बार बार उसको मतना नहीं चाहिए, यानी जो बिगड़ी बात है उसे सुधारने के लिए हमें कोई प्रयत्न करने नहीं चाहिए, उसको उस बात को वहीं पर ही छोड़ देना चाहिए। रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी पर सब कोई। यानी यहाँ पर थोड़े यानी थोड़े का मतलब है, शब्दार्थ देखेंगे पहले, थोड़े का मतलब
हुई। हित का मतलब है भलाई। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, यानी जो आपत्ति हम पर आती है वो थोड़े दिन के लिए आती है तो अच्छी है। हित अनहित या जगत में जानी पर सब को, यानी हमारे हित का यानी हमारी भलाई जानने वाले कितने लोग हैं, हमारा बुरा देखने वाले लोग कितने हैं, वो अगर हम पर कोई विपदा आती है आपत्ति आती है तभी हम पता चलता है कि हमारे कितने हैं और हमारे पीठ पीछे बात करने वाले लोग कितने, यानी हमारा हमारी जो भलाई है वो कितने लोग, यानी हमारा हित जो है वो कितने लोग चाहते हैं और जो हमारा अनहित चाहते हैं यानी हमारी बुराई चाहते हैं वो लोग कितने हैं, वो हमारे पर जो आपत्ति आती है तभी पता चल जाता है। यानी इस दुनिया के अंदर हमारे कितने हैं और हमारे हमारा बुरा चाहने वाले कितने लोग हैं वो हम पर जब आपत्ति आती है तभी ही पता चलता है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि थोड़े समय के लिए ही अगर हमारे पर विपत्ति आती है तो वो बहुत अच्छी बात है। रहीमन वे नर मर चुके जे कहु मांगन जाही, उससे पहले वे मुए जिन मुख निसत नाही। यानी यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मांगने के लिए जो जाता है वो व्यक्ति मांगने वाला व्यक्ति कैसा होता है, मरा हुआ होता है। यहाँ पर शब्दार्थ देखेंगे कि मांगन यानी मांगने, मांगन का मतलब है मांगने। मुए यानी मरे हुए, मुए का मतलब है मर गए या मरे हुए। निकसत का मतलब है, निकसत का मतलब निकलते है। इस दोहे के अंदर रहीम जी ने कहा है कि जो लोग काम कर सकते हैं उसके बावजूद भी भीख मांगते हैं या मांग कर खाना खाते हैं वो लोग जो मनुष्य हैं वो कैसे हैं, मरे हुए, यानी उनका जो जमीर है वो मरा हुआ है, यानी उसके अंदर की जो मनुष्य है वो मर गया है इसीलिए वो मांग कर खाते हैं। लेकिन रहीम जी आगे ये भी कहते हैं कि उससे पहले वो लोग मरे हुए हैं कि जिनके घर पर कोई मांगने के लिए आता है और उसके मुँह से ना शब्द यानी नहीं शब्द निकलता है वो लोग उससे पहले ही मरे हुए है। यानी कोई भी व्यक्ति हमारे घर मांगने के लिए आता है तो हमें उसको मना नहीं करना चाहिए, यानी हमारे पास जो भी है उसमें से थोड़ा बहुत उसे देना चाहिए। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि हमारी हमारा जो बर्ताव है जो हमारी नीति है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारे घर कोई भी आया हुआ हो, अतिथि है, ब्राह्मण है, साधु है, संत कोई भी आया है तो हम अपने पास जितना है उसमें से हम जो उनको दान में दे सकते उतना हमें देना चाहिए, मना करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो लोग मांगने के लिए आते हैं तो उनके जो उनके अंदर का जो मनुष्य है वो मर गया है, लेकिन उससे पहले वो लोग मरे हुए हैं जो लोग मांगने के लिए आए हैं और उसे जो मना करते हैं। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि अगर हमारे घर कोई मांगने के लिए आता है तो हमें उसे मना नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए यानी हमारी नीति कैसी होनी चाहिए उसी प्रकार यहाँ पर नीति के दोहे रहीम जी ने दिए हैं। यानी हमें दूसरों के प्रति किस तरह से बर्ताव करना चाहिए और हम पर भी जो संकट आता है आपत्ति आती है तो उससे भी पता चलता है कि हमारे अपने सगे संबंधी कितने हैं और हमारा सच्चा मित्र कौन है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो दोहे दिए गए हैं वो हमने अच्छी तरह से पढ़े और समझने का प्रयत्न किया। Thank you very much.